नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। दोस्तों, जो कल मैंने जीके की ट्रिक डाली थी उसमें काफ़ी खामियां थी, क्योंकि जो मैं जीके की ट्रिक डालता हूं ज़्यादातर जो वीडियो में, तो वो मैं याद करके डालता हूं, तो कई बार दिक्कत हो जाती है, आपको अच्छी से याद नहीं होती। तो कल की जो जीके ट्रिक थी उसमें काफ़ी खामियाँ थी, तो मैं आज दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और वो मैंने कल वाली डिलीट कर दी है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बाबर के द्वारा किए गए घटनाक्रम को याद करना है, तो आपको सिंपल एक लाइन ही याद करनी है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो यहाँ पर जो 26 है वो 1526 को डिनोट करता है, 1526 को डिनोट करता है, और 26 में पानी पिया, तो पानी है वो पानीपत। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो जो नेक्स्ट थे कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, तो 27 में खाना खाया, 27 यहाँ पर 1527 को डिनोट करता है, और जो खाना है वो खानवा जो युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 28 यहाँ पर 1528, और चल दिया यहाँ पर चंदेरी युद्ध जो हुआ था उसको डिनोट करता है, जो कि मेदिनी राय और बाबर के दरमियान हुआ था, और 29 में घर गया 29 यहाँ पर 1529 को डिनोट करता है दोस्तों, जो 29 में घर गया, घर घाघरा युद्ध जो हुआ था वो 1529 में हुआ था महमूद लोदी और बाबर के बीच में, और 30 में मर गया, बाबर की जो मृत्यु हुई थी 1530 में हुई थी दोस्तों। ऐसे ही आपको यदि चीनी यात्रियों का जो भारत में आने का क्रम याद करना है, तो आपको सिंपल एक लाइन याद करनी है कि चीनी यात्री को फांसी हुई जो फांसी फा चीनी यात्री से, तो आप चीनी यात्री को याद कर सकते हैं, जो फा है फा से फाहियान को याद कर सकते हैं, जो कि 599 ईस्वी में भारत में आया था, और सी से संयुगन, फांसी सी से संयुगन, जो कि 518 ईस्वी में भारत में आया था, उस ऐसे ही फांसी हुई है जो है हेन सांग जो चीनी यात्री था वो 630 ईस्वी में भारत के अंदर आया था, हुई ई से इत सिंह जो कि 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपको ये याद करना है कि किन किन देशों की जो मुद्राएं हैं वो डॉलर है, तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है कि सीता जी वन से कहाँ आई। यहाँ पर जो सी है दोस्तों वो सिंगापुर को डिनोट करता है, तय है दोस्तों वो ताइवान को डिनोट करता है, सीता जी जी जो है जिम्बाब्वे को डिनोट करता है दोस्तों, सीता जी वन से। वह जो है दोस्तों वो बरमूडा को डिनोट करता है दोस्तों, सीता जी वन ने जो है दोस्तों न्यूजीलैंड को डिनोट करता है, सीता जी वन से। जो से है दोस्तों वो सेंट लुइस देश को डिनोट करता है दोस्तों, सीता जी वन से कहाँ के जो है वो कनाडा को डिनोट करता है दोस्तों, और हा जो है वो हांगकांग को डिनोट करता है दोस्तों, कहाँ आए जो आ है वो ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है, ए है वो अमेरिका को डिनोट करता है दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों, यदि आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों को याद करना है, तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है कि भरमा की गोद में गंगा। भरमा यहाँ पर भरमा नदी को डिनोट करता है दोस्तों, भरमा की जो के है जो कि वो कावेरी नदी और कृष्णा नदी को डिनोट करता है, भरमा की गोद में, की गोद, गोद से तात्पर्य है कि गोदावरी, गोद में से महानदी, और गंगा गंगा है ही दोस्तों। ऐसे ही आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य याद करने हैं, सदस्य राज्य याद करना है, तो आपको सिर्फ एक फ्रेश वर्ड याद करना है,
एफ से फ्रांस, आर से रसिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड। और ऐसे ही दोस्तों, यदि आपको भारतीय पश्चिमी घाट के राज्यों को याद करना है तो आपको एक लाइन याद करनी है कि तुम्हारी केक गोवा में गुम हो गई। तो जो तुम्हारी है उसको आप उससे आप तय जो है उससे आप तमिलनाडु को ले सकते हैं। तुम्हारी केक जो के है दोस्तों उससे आप केरल को ले सकते हैं केक। दूसरा जो कह है दोस्तों उससे आप कर्नाटक को ले सकते हैं कि तुम्हारी केक गोवा में, गोवा से गोवा ही डिनोट होता है, गोवा में यहाँ पर साइलेंट है, गुम हो गई। जो कह है दोस्तों वो गुजरात को डिनोट करता है गुम। जो मैं है दोस्तों वो महाराष्ट्र को डिनोट करता है और हो गई यहाँ पर साइलेंट है। अच्छा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो वाकई ही अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।